आर के इंफॉर्मेशन, लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन। नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ कि जो हमारा आयरन, कोल और एयर और उसे जो फ्लू गैस जनरेट होती है, चार जनरेट होता है, उसका स्पेसिफिक कैसे निकालते हैं। एक कैलकुलेशन है, एक एनर्जी ऑडिट हुआ था तो उसमें एक कैलकुलेशन किया गया था जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आयरन और कोल, एयर और DRI और फ्लू गैस और चार का जो रेशियो निकाला गया था और उसको कैसे निकालते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो यदि हमारा जो रिडक्शन रिएक्शन है 100% कंप्लीट है, होती है, और फाइनल प्रोडक्ट में कोई भी FeO कंटेंट नहीं बचने चाहिए और कोई इम्प्योरिटी भी नहीं बचने चाहिए, तो उस कंडीशन के ऊपर ये कैलकुलेशन किया गया था। पहले तो जो कार्बन है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 बनाता है और जिसका मॉलिक्यूलर वेट आप देख रहे हैं, और उसके बाद जो है CO2 जो है अगेन कार्बन से रिएक्ट करती है और 6 मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO की बनाती है, और उसके बाद जो 6 CO बना है उसका यूज़ हमारा हेमेटाइट का रिडक्शन में होता है। तो उसी के मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन है। इसमें जो 132 कैसे आया है उसको नीचे एक्सप्लेन किया है, कार्बन का जो है वैलेंस 12 और O2 का 16x2 मॉलिक्यूल है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 132 आएगा और 3 कार्बन मॉलिक्यूल का 36 है और 6 CO मीन्स 168। तो इसमें Fe2O3 प्लस 6 CO रिएक्ट करके फाइनली क्या बनता है, आयरन Fe और 6 CO2 जिसका मॉलिक्यूलर वेट लिखा हुआ है 320। कैसे आया वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 55.85x2 प्लस 16x3 इंटू होल ट्वाइस है, तो ये आप तो समझ जाएंगे इसको। द फिगर इज ब्रैकेट इंडिकेट द वेट ऑफ द रिएक्शन एंड प्रोडक्ट। तो इसमें आप देखेंगे कि जो 72 kg कार्बन है उसके लिए कोल कितना रहेगा, 144। यदि कोल का FC50 है और 96 kg क्या लग रही है इसमें, एयर रिएक्शन में आप देखेंगे ध्यान से तो समझ में आएगा, और एयर में जनरली O2 लग रही है 96 kg और उसके लिए एयर कितना लगेगा, 417 kg, क्योंकि 23% O2 रहती है एयर में। तो 96 जो है वो 23% है, यदि इसका 100% निकालेंगे तो कितना आएगा, 417 kg। ऐसे 320 kg आयरन ओर जो मॉलिक्यूलर वेट से निकाला है, 224 kg स्पंज आयरन बन रहा है, ऊपर रिएक्शन है 4Fe है तो 55.85x4 और 264 kg CO2 बनेगा, 41 kg ऑफ स्पंज आयरन रिक्वायर्ड, आयरन ओर रिक्वायर्ड कितना रहेगा, 320 डिवाइडेड बाय 224 मतलब जो DRI हमारा बना है तो निकलेगा 1.42 kg, कोल 144 डिवाइडेड बाय 224 0.64 kg, एयर तो एयर 417 डिवाइडेड बाय जो हमारा स्पंज आयरन बना है 4Fe मतलब 224
तो यह आएगा 1.86 केजी। देन द प्रोडक्ट मेकिंग CO2 264 डिवाइड बाय 224 मतलब जो हमारा स्पॉन्जर बना है तो 1.8 केजी CO2। और फ्लू गैस जनरेशन कितना होगा, टू पॉइंट एट सिक्स के जी। चार प्रोडक्शन ऐसा चार टेकिन 0.064। अब 0.064 को कैसे निकाला गया है उसको मैं बता रहा हूँ कि 6.015% नॉन मैक ओनली आइडियल कंडीशन। तो उसको ऐसे निकालते हैं, प्रोडक्शन इनटू नॉन मैक इनटू एक्स माना है हमने उसको, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन है और चार का वेट है तो हमको नॉन मैक का परसेंटेज निकालना है। मतलब हम उसको एक्स मान लेते हैं तो उसको ऐसे निकालेंगे, 1 × x डिवाइडेड बाय 100 - x इज इक्वल टू 0.064। तो 1 × x इज इक्वल टू हो जाएगा 0.064 इंटू 100 ब्रैकेट में 100 - x, तो x इज इक्वल टू 6.4 - 0.064 x हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू 0.064 x इज इक्वल टू 6.4। तो x को हम आउट कर लेते हैं तो हो जाएगा 1 + 0.064 इज इक्वल टू 6.4। देन x इज इक्वल टू हो जाएगा 6.4 / 1.064 इज इक्वल टू 6.015%। तो ये एक आइडियल कंडीशन के लिए है, ये 50 FC का कोल जो रहेगा उसमें 6.015% नॉन मैक रहेगा, उस बेस से हमने चार का प्रोडक्शन निकाला है। कोल है 30% VM, कोल में VM भी रहेगा तो 30% लिया है जो CH4 के रूप में रहेगा। CH4 मतलब C का 12 और H4 16 हो गया, प्लस 2 O2 2 में 16 × 2 किया गया है 32 × 2 64 मैथेन जब बर्न होगी तो CO2 जनरेट होगा और H2O। ये उसके मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट को एक्सप्लेन किया है अलग से ताकि सभी को क्लियरिटी रहे। ट्वेल्व प्लस सिक्सटीन इंटू टू
ऊपर आपने देखा कि हमने जो हमारा जो कुल का अमाउंट आया था वो आया था 0.64। तो 0.64 में 30% VM है, तो 0.64 का 30% कितना हो जाएगा, 0.19। टू हो जाएगा 0.192 kg। थर्टी परसेंट बाय वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 16 kg। 16 kg CH4 रिक्वायर्ड टू 78.2 kg O2। तो इसमें 23% O2 मीन्स एयर कितना रहेगा 100% के लिए, थ्री पॉइंट वन kg CH4 रिक्वायर्ड 278.26 kg O2। तो 1 kg के लिए निकाला है 17.16। सो 0.1 kg CH4 required 17.39 divided by 10, क्योंकि 1 kg का था तो 0.1 के लिए यहाँ कैलकुलेशन किया गया है, तो ये आएगा 1.739 kg। तो अभी हमको हमारा जो CH4 का क्वांटिटी कितना था 0.192, तो उसके लिए एयर कितना रिक्वायरमेंट रहेगा उसको यहाँ पे निकाला गया है। देन 0.192 kg CH4 required 1.739 into 0.192, इक्वल टू 3.34 kg O2। फाइनली रेशियो इज आयरन ओर का रिक्वायरमेंट जो रहेगा 1 kg DRI के लिए वो 1.43 kg, कोल का है 0.64 kg, एयर 3.34 प्लस जो हमारा ऊपर निकला था 1.86, माने जो VM के लिए जो एयर हो रिक्वायरमेंट है वो, और प्लस जो FC के लिए, तो 5.192 kg आ रहा है।
और स्पंज आयरन जो प्रोडक्शन हो रहा है वो है 1 kg। और जो फ्लू गैस है .34 प्लस 2.86। ये जो हमारा इससे पहले जो फ्लू गैस निकला था प्लस जो VM के लिए जो O2 का रिक्वायरमेंट था वो दोनों को ऐड करने से 6.2 kg हमारा फ्लू गैस जनरेट होगा। और जो 4 है वो 0.064 kg। जिसमें नॉन मैग हम लोग 6.015% लिए हैं। तो फाइनली जो रेशियो बन रहा है वो बन रहा है 1.43 आयरन ओर, कोल है 0.64 एयर 5.2 स्पंज 1 kg 1.0 और फ्लू गैस है 6.2 एंड 4.064। तो ये कैलकुलेशन था जो आइडियल कंडीशन किलन ऑपरेशन पे बेस करके एक एनर्जी ऑडिट हुआ था जिसमें किया गया था, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। धन्यवाद। आर के इंफॉर्मेशन, लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन।